एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की जो रेसिपी है वो है ट्रेडिशनल सिंधी खुराक रेसिपी एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी। और ये रेसिपी अगेन मेरी मॉम बना रही है। सो चलिए जल्दी से देखते हैं इस रेसिपी को। नाउ लेट्स बिगिन माय मॉम्स वर्जन ऑफ खुराक। जस्ट चेक आउट द इंग्रेडिएंट। देसी घी 3 कप, क्रश कार्डमम 1 टेबलस्पून, मिल्क 1/2 कप, शुगर 200 ग्राम्स, गोंद 1/2 कप, चॉप्ड आलमंड्स 1/2 कप, चॉप्ड कैशू नट्स 1 कप, ड्राई कोकोनट 1/2 कप, व्हीट फ्लावर 3 कप्स, मावा 250 ग्राम्स, खसखस 4 टेबलस्पून। अब हमने 200 ग्राम्स ऑफ शुगर को एक बाउल में लेके 1/2 कप मिल्क उसमें डाल दिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा बिट ऑफ सॉफ्टनेस आए खुराक में, और उसको साइड में रख देंगे। नाउ यू हैव टू हीट घी इन अ हैवी बॉटम वेसल, और जो वेसल हो वो बड़ा होना चाहिए जिससे मिलाने में ईजी हो। हमारा घी गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हम इसमें लगभग 250 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर डालेंगे और उसको अच्छे से घुमाएंगे। अगर आपको ये ज़्यादा क्वांटिटी की नहीं बनानी है सो यू हैव टू यू नो मेक श्योर कि स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करें, जैसे 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स। नाउ आपको ये घुमाते रहना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता है। लगभग 5-7 मिनट ये प्रोसेस है। मिक्स वेल ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। नाउ यू हैव टू ऐड एडिबल गम, दैट इज़ गोंद। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ग्राइंड गोंद इन अ मिक्सर जार कोर्सली एंड यू हैव टू यू नो रोस्ट इट फॉर अनादर 5-7 मिनट्स। इसमें आपको बस एक एक चीज़ डाल के बार बार भूनना है ताकि वो चीज़ बार बार उसमें मिल जाए अच्छे से। नाउ यू हैव टू ऐड क्रश्ड इलायची। कैसे होगा ये? यू हैव टू टेक 8-10 इलायची एंड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। फाइन पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। नाउ मिक्स इट वेल, और अब इसको वापस हमें भूनना है। यू हैव टू ऐड नाउ पॉपी सीड खसखस, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड फॉर योर आइज एंड इट फाइट्स इंसोमेनिया टू। इसको अच्छे से घुमाते रहना है। नाउ यू हैव टू ऐड ग्रेटेड ड्राई कोकोनट। वेल इन दिस केस अगर आपके पास ये नहीं है सो यू ऐड डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऑल्सो। लगभग 1/2 कप हमने डाला है एंड यू हैव टू यू नो मिक्स इट वेल फॉर अनादर 5-7 मिनट्स। इसमें भुनने का ही काम है, जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही अच्छा सब चीज़ें उसमें घुल मिल जाएंगी। नाउ यू हैव टू ऐड रेजन्स। यहाँ पे मेरे पास किशमिश थी, और आप अगर चाहें तो ब्लैक रेजन्स भी प्रेफर कर सकते हैं, वो भी खुराक में अच्छी लगती है। नाउ यू हैव टू मिक्स इट वेरी वेल फॉर 4 मिनट्स। इसको आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो जो है व्हीट फ्लावर वो आपका चिपक जाएगा। नाउ यू हैव टू ऐड मावा, और मावे से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसमें एक टिप ये है कि जितनी सेम क्वांटिटी का आप व्हीट फ्लावर ले रहे हो उतनी ही सेम क्वांटिटी का आपको देसी घी लेना है। जैसे 250 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर तो 250 ग्राम्स ऑफ देसी घी, और अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच यू विल ऐड देसी घी। ये देखिए हमारी रेजन्स भी काफ़ी बड़ी साइज़ में हो गई है। नाउ यू विल हैव टू ऐड ऑल द ड्राई फ्रूट्स, दैट इज़ कैशू नट्स, आलमंड्स, जो भी आपको ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हो, और कितनी भी क्वांटिटी में। मैंने यहाँ जो क्वांटिटी ली है डजेंट मैटर कि आप वही क्वांटिटी में ले, आप कम ज़्यादा भी अपनी चॉइस से ले सकते हैं। एंड यू हैव टू मिक्स इट अगेन वेरी वेल। इसको बस घुमाते रहना है। 1-2 मिनट के लिए आप 1-2 सेकंड के लिए छोड़ भी सकते हैं, बट वैसे इसमें सारा काम मिलाने का होता है ये। नाउ इन द लास्ट यू विल हैव टू मिक्स वेरी वेल जो हमने शुगर और मिल्क का वो बनाया था सिरप जैसा, और ये थोड़ा दूर से डालना है क्योंकि इसके छींटे भी पड़ते हैं,
और इसके डालने के बाद आपको इसको जल्दी मिक्स करना है ताकि वो सारा का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए और सारा का सारा जो हमने चीज़ें डाली है वो अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और 2-3 मिनट के बाद आपको गैस बंद करके चाहे तो आप फिर मिला सकते हो, अदरवाइज़ जो हमारी खुराक है वो हार्ड हो जाएगी। आई एम जस्ट पोरिंग इनटू थाल। मेरे पास यहाँ हमारी खुराक की क्वांटिटी ज़्यादा थी, सो इफ़ यू हैव थाल यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ थाली टू एंड लेवल द सरफेस। और मेक श्योर कि ये जो आप स्टेप कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब गर्म में ही होना चाहिए। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसके साइड से शेप कर दें। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ कटोरी जिसका बेस फ्लैट हो, आप उसको एकदम प्रेस कर ले ताकि वो एक लेवल का सरफेस पकड़ ले। Now you have to garnish with pista flakes or any dry fruits you want or poppy seeds, which is also again very good for your health and for your immunity too. और इसमें हमने जो गोंद डाली है उसके भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे it improves your immunity and health or it reduces your back pain and other joint pains. So ये बहुत ही स्पेशल होती है खुराक, स्पेशली सिंधियों की जान और शान होती है। नाउ यू हैव टू मार्क पीसेस। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, जैसे 10-15 मिनट बाद जब थोड़ी ठंडा हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कि टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है गर्म है, यू हैव टू मार्क द पीसेस। और इसको स्लोली करना क्योंकि तब भी वो बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें यही टिप है, जितना ज़्यादा आप लो फ्लेम में बनाएंगे और कलर ये देख रहे हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर है, वो कलर करना है। और जितनी देर आप घुमाते रहेंगे, भूनते रहेंगे, उतनी ही अच्छी बनेगी। और एकदम इसको बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, मतलब हाथ भी कई बार दर्द कर जाते हैं। ये इसमें मेरी मॉम बना रही है और मेरी मॉम की खुराक ऑलवेज़ द बेस्ट खुराक। अब हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, लग रही है ना एकदम प्यारा कलर आ रहा है, एकदम अमेजिंग लग रही है ना। सिंधी खुराक इज़ नाउ रेडी। इफ़ यू लाइक माई मॉम्स रेसिपी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड थैंक यू।